इनको नरक की तरफ ले गए और वहाँ पूरी रात बंधक बनाए रखा और इसके साथ दुराचार किया। शमशान घाट में पूजा की आड़ में तांत्रिक गुरु चेले ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दमखड़ी कनाह के रहने वाले कथित तांत्रिक ज्ञान प्रकाश उम्र 56 साल व चेले ज्ञान चंद उम्र 42 साल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि बेटे की बीमारी से परेशान महिला तांत्रिक के पास पहुंची थी। रविवार को तांत्रिक ने महिला को कहा कि शमशान घाट में पूजा करवानी होगी। पीड़िता को वहीं रुकने के लिए कहा गया। शाम के वक्त पूजा के बहाने महिला को गाड़ी में बिठाकर सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के नारग लेकर पहुंच गए। पिछले कल 17 जुलाई को एक महिला पुलिस थाना सोलन में आई और उसने शिकायत की कि कनाह गांव के प्रकाश और कंडा घाट के ज्ञान प्रकाश, जो कि यहाँ तांत्रिक विद्या का काम करते हैं, वो उनके पास आई हुई थी। तो जब उसने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने उसको ये बताया कि इस महिला के साथ बहुत बुरा होने वाला है और इसका इलाज करने के लिए, इसका जो उद्धार है उसको करने के लिए इसको शमशान में रात को पूजा पाठ करनी होगी। उस बात पर इस महिला ने अपने पति से बात की तो पति ने ये कहते हुए कि एक दूसरी महिला भी साथ है, आप जा सकती हैं, डरने की कोई बात नहीं है। इनको, इस महिला को और दूसरी महिला को विश्वास में लेके इन दोनों तांत्रिकों ने इनको नारक की तरफ ले गए और वहाँ पूरी रात बंधक बनाए रखा और इसके साथ दुराचार किया। इसकी इस शिकायत पर पुलिस, महिला पुलिस थाना में FIR नंबर 30/19 सेक्शन 420 365 366 342 120B 376 2G के अंतर्गत एक था जो FIR है वो लॉन्च की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है और कल इन दोनों तांत्रिकों को गिरफ्तार किया गया। आज इनको अदालत में पेश किया गया जहां पर इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और आगे का अन्वेषण जारी है। मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि ऐसे तांत्रिकों और ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें, वो आपका धन और विश्वास लूट करके क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं। सर, इस महिला के साथ में मारपीट की हुई थी और कैसे? वो अन्वेषण का विषय है, जो उसका मेडिकल किया गया है लेकिन दुराचार किया गया है। उनके चंगुल से कैसे बच कर आई? उनके चंगुल से वो सुबह के समय भाग कर आई है और किसी स्थानीय दंपत्ति ने उसकी मदद की है, उनसे लिफ्ट लेकर के ही आगे आई है। सर, क्या वो महिला पहले भी उनके पास जाती रही है? ये अभी अन्वेषण का विषय है, उसको हम देख रहे हैं। बहरहाल आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। यहाँ कमरे में महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि पुलिस जब तांत्रिक को गिरफ्तार करने वहाँ पहुँची, उस समय भी वहाँ करीबन 50 लोग पूजा पाठ कर रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अदालत में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि महिला को नारग में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। गौरतलब है कि गिरफ्तार तांत्रिकों के एक साथी के खिलाफ पहले भी दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। सोलन से लाइव टाइम्स टीवी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।